मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लावारिस शवों के निशुल्क अंतिम संस्कार और अर्थी विसर्जन करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकी शालू सैनी एक बार फिर लावारिस की वारिस बनकर सामने आई। सिविल लाइन थाना प्रशासन द्वारा साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी को लावारिस शव की जानकारी दी गई थी। जानकारी मिलते ही शालू सैनी ने मृतक की वारिस बनकर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष थी। शालू सैनी ने बताया कि सिविल लाइन थाना द्वारा उन्हें लावारिस शव प्राप्त होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रशासनिक औपचारिकता पूर्ण करके प्रशासन की मौजूदगी में उनके द्वारा नई मंडी शमशान घाट पर लावारिस शव का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नई मंडी थाना से आए प्रशासनिक प्रतिनिधि ने शालू सैनी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आज यहाँ मंगलवार है, जो यहाँ शमशान घाट नई मंडी वाला पड़ता है, इसमें अंतिम संस्कार किया है। सिविल लाइन करने की सूचना पर भैया ने हमें सूचित किया कि एक लावारिस डेड बॉडी है जिसका अंतिम संस्कार होना है। आज उनकी वारिस बनकर हमने अंतिम संस्कार किया है और हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को मुक्ति दे और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह की कोई भी लावारिस डेड बॉडी हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमें सूचित करें ताकि हम विधि विधान से उनके वारिस बनकर अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर सकें। इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर क्रांतिकारी शालू सैनी ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि लावारिस शव या कोई परिवार अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हो तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जानकारी जरूर दी जाए, जिससे विधि विधान के साथ निशुल्क अंतिम संस्कार किया जा सके। असमर्थ परिवार की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। मंगलवार को अंतिम संस्कार का सहयोग राजू सैनी और सत्य प्रकाश रेशु ने किया। मंगलेश प्रजापति और सूची भी मौके पर मौजूद रहे।